वाले दानिश मिश्रा जी को, एक नौजवान का मैं तो जब ऑफिस सुबह आया तो मुझे यहाँ जानकारी मिली कि आज यहाँ कोई जॉइनिंग का कार्यक्रम है और एक युवा नौजवान 24 साल का एक लड़का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहा है। तो जब मैंने देखा, जब सैकड़ों की तैदाद में इसके साथ यहाँ नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर ढोल धमाके नगाड़ों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस शिक्षा में यहाँ पे इस कार्यक्रम में होना चाहिए। मैं दानिश मिश्रा जी को बधाई दूंगा और साथ में जितने भी कार्यकर्ता इनके साथ आज यहाँ पे आए हैं, आप सबको बधाई दूंगा कि आज आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और ये विश्वास करूंगा कि आपके इस पार्टी से जुड़ने के साथ भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और आगे होगा और बढ़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, एक वेव है। मैं पिछले 15 दिन से अध्यक्ष जी के साथ में चल रहा हूँ, चाहे रामनगर हो, धूमपुर हो, चनैनी हो, रियासी हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात हो, आज जम्मू कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। वो चाहते हैं, उन्होंने जो देखा है कि अगर किसी भी पार्टी में हमारा भविष्य अगर है, अगर हमारा फ्यूचर अगर किसी पार्टी में है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। मैंने 15 साल पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उस वक्त भी दूर दराज इलाके डोडा किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। उस वक्त भी हम सोच विचार कर रहे थे कि कौन सी ऐसी पार्टी है, किस पार्टी में हमको जाना चाहिए, किस कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। उस वक्त भी हमें एक ही बात उस वक्त ध्यान में थी कि भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जहां एक गरीब परिवार का लड़का भी कल को यहां प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से यहां का एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है। ये बाकी पार्टियों में मुमकिन नहीं है। वहां केवल एक खानदान, एक परिवार के लोग, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं मुबारक दूंगा आप सबको कि हम आज सारे इकट्ठे होकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो मिशन लिया है कि 50+ का नारा, मैं विश्वास से कहूंगा जो हमने देखा है, न केवल जम्मू कश्मीर थामा, लेकिन आज मैं विश्वास से कहूंगा डिस्ट्रिक्ट हो, किश्तवाड़ हो, वह हमारा डोडा हो, वहां से अभी भारतीय जनता पार्टी के MLA जीत के वहां से आएंगे और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और मुख्यमंत्री जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज अपोजिशन के लोग, आज किसी और पॉलिटिकल पार्टी की कोई एक्टिविटी आपने कहीं देखी, प्रेस मीडिया में जाके इसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन सकती। क्लीन स्वीप हम लोग करेंगे। जब पंचायत का चुनाव हुए, हम लोग पंचायत के चुनाव लड़ रहे थे। जब बीडी सीट का चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लिया जाए। और इस वक्त बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने बहिष्कार किया, बायकॉट किया, लेकिन अब जब असेंबली की जब बारी आती है, तब तैयारी होती है कि नहीं, आप गुप्कार गैंग लड़ेगा और गुप्कार गैंग हो या कोई और गैंग जो बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे टिक नहीं पाएंगे। बधाई दूंगा या जिनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में गांव गांव घर घर आज युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। अभी हमारे अगले हफ्ते डोडा किश्तवाड़ दामन का कार्यक्रम है, आपके जैसे वहां सैकड़ों नौजवान इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष जी का कि कब ये वहां पे आए और वो लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। मैं ये विश्वास से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है और अगली सरकार जो होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक बार फिर से एक युवा साथी को, हमारे दानिश मिश्रा जी, जिनके साथ आज इतने नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनको बधाई दूंगा। और महेश शर्मा जी को, जो हमारे नेता हैं, बेसिकली डोडा के ही रहने वाले हैं, काफी अर्से से यहाँ पे जम्मू में है, इनको मुबारकबाद दूंगा यार, जिन्होंने सैकड़ों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।